तकनीकी खराबी के चलते जो है हमारा यूट्यूब कुछ क्षण के लिए रुका हुआ था, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबों के बीच। 7 ओवर की समाप्ति पर हरिहरा बी टीम का स्कोर 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई हरिहरा बी टीम, कुल मिलाकर यह 10-10 ओवर का मुकाबला हरिहरा बी वर्सेस आउट ग्राम पंचायत के बीच, जिसमें हरिहरा बी के कप्तान ने टॉस जीता और बेझिझक बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अभी तक 7 ओवर में 4 विकेट खोकर 87 रन बना लिए हैं। आउटग्राम टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ गुप्तगु करते हुए, कल का मुकाबला लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला बड़तला वर्सेस पलासमुना पंचायत के बीच 2 बजे से घमासान मुकाबला होने की संभावना, बड़तला बनाम पलासमुना के बीच दोनों टीमों से काफी दिग्गज खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं। दर्शकों के अनुमान के मुताबिक अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुकाबला होने वाला है कल का मुकाबला। हेलो हेलो, मैच रुका हुआ है, अंपायर खिलाड़ियों को कुछ सजेस्ट करते हुए, तो हाथ पड़ा इनसे 8वां ओवर डाला जाएगा। कल का मुकाबला देखना ना भूले, बड़तला बनाम पलासमुना पंचायत के बीच। इसी बीच गेंदबाज चले फिर से दौड़ना स्टार्ट किया, फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए और यहाँ पे शायद कुछ चोट लगते हुआ बैट्समैन को और अंपायर का इशारा नो बॉल का। इसी के साथ थ्री हिट मिलेंगे यहाँ पे बैट्समैन को, देखना रोचक होगा कितना रन बना पाते थ्री हिट में। अंपायर का इशारा थ्री हिट का, गेंदबाज ने दौड़ना चालू किया, हाथ पड़ा इनसे तैयार, गेंद बल्लेबाज तैयार, उड़ाया है लेकिन फिर से इशारा अंपायर के द्वारा नो का और फ्री हिट जारी रहेगी। आउट ग्राम पंचायत से 3 भाई एक ही टीम से खेल रहे हैं आउट ग्राम पंचायत से, ये बता रहे थे हमारे मशहूर क्रिकेटर सादिकुल इस्लाम जो कि हरिहरा बी टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने बताया। तो 7 ओवर की समाप्ति पर हरियाणा बी टीम का स्कोर 89 4 विकेट के नुकसान पर 89 loss of 4 विकेट। पुल किया है और गेंद 6 रनों के लिए सिमर के से बाहर हाई स्कूल के अंदर, ये रहा जय किसान दीर्घ सिक्सर। माइक भी दुकाना है, माइक दो। और इसी खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया 95 पर 95। गेंदबाज बढ़िया गेंद, गेंदबाज के द्वारा बहुत ही अच्छा कमबैक, छक्का खाने के बाद जोरदार कमबैक। 8वां ओवर प्रगति पर कुल मिलाकर 10-10 ओवर का मैच। इसी बीच गेंदबाज फिर से उड़ाया और गेंद फिर पब्लिक स्कूल सिक्सर।
जबरदस्त छक्का बल्लेबाज आसिफ के द्वारा 47 रन के निजी स्कोर पर खेले। 22 गेंदों का सामना किया उन्होंने, फिर से तैयार सामना करने के लिए। फिर से शॉर्ट गेंद और फिर से पुल किया है मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, रन के लिए नहीं भागे। स्कोर 101 चार विकेट के नुकसान पर। हरियाणा बी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। फिर से तैयार गेंदबाज हाथ प्राइम से फुल टॉस गेंद, उसको ड्राइव किया है लॉन्ग बाउंड्री के बाहर गेंद, चार रनों के लिए। यह रहा ब्लू इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर चौका। इसी खूबसूरत चौके के साथ स्कोर पहुंच गया उछलता हुआ 105 पर। हरियाणा बी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। कुल मिलाकर यह 10-10 ओवर का मैच। इसी बीच गेंदबाज फिर से तैयार, फिर से उड़ा गेंद मार के सर के ऊपर से और एक और मैक्सिमम मिलेंगे। ये रहा जय किसान ब्रिक्स सिक्सर। इसी छक्के के साथ पहुंच गया स्कोर 111 पर 111 चार विकेट के नुकसान पर। आठवें ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर यह 10-10 ओवर का मैच। आउट ग्राम पंचायत वर्सेस हरियाणा बी टीम के बीच घमासान मुकाबला। दर्शकों से अनुरोध है कि कल के मैच के लिए कुर्सी की पेटी अभी से बांध लीजिए। कल का मुकाबला खेले जाएंगे दोपहर 2 बजे से बरतला पंचायत वर्सेस पलासपुना पंचायत के बीच। जोरदार मुकाबला होने की संभावना। दर्शकों के अनुमान के मुताबिक अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुकाबला होने की संभावना। आउट ग्राम पंचायत से 3 भाई एक टीम से खेल रहे हैं, अशरफ अली, साजिद अली और रेमाज अली, एक ही पंचायत से। इसी बीच तैयार फिर से गेंदबाज, उड़ाया है लेकिन और यहां पे मिस फील्ड, लेकिन खामियाजा ज्यादा नहीं भुगतना पड़ा। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बैट्समैन। इसको ऑफ कर दें। फिर से गेंदबाज तैयार, ऑफिशियल से काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का, और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंच गया 113 पर 113 चार विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर प्रगति पर कुल मिलाकर ये 10-10 ओवर का मैच, जिसमें हरियाणा बी टीम ने पहले टॉस जीता और बेजी तक बल्लेबाजी का फैसला किया। इसी बीच गेंदबाज फिर से उड़ाने का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले में सही संपर्क नहीं, बैट्समैन अपने आप से काफी नाखुश। तो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला कल खेला जाएगा दोपहर 2 बजे से पलासपुना पंचायत वर्सेस बरतला पंचायत के बीच। जोरदार मुकाबला होने की संभावना, तो देखना ना भूले कल मुकाबला। लीग स्टेज का आखिरी चालू किया डिजाइन गेंद, और फिर से एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जता दिया कि नौ ओवर प्रगति पर। गेंदबाज शाहनवाज फिर से स्ट्रेट ड्राइव शॉट के लिए, और ये मिलेगा हार्दिक पांडे के अंदाज में चार रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। ये रहा नाथ पब्लिक स्कूल चौका। फिर से तैयार शाहनवाज, फुल टॉस गेंद और उड़ा है मिड विकेट की ओर, और अंपायर का फैसला 6 रन, एक और मैक्सिमम। ये रास्ते में आ लेडीज कॉर्नर सिक्सर, 68 पर 67 रन बनाकर खेल रहा आसिफ खान, जिसमें 9 गगनचुंबी छक्के शामिल और 2 चौके। 28 गेंदों पर 67 रन बनाकर खेल रहे आसिफ। स्ट्राइक पर फिर से सामना करेंगे, फिर से उड़ाया है
एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट। आसिफ जिनकानी जी स्कोर 68, 29 गेंदों पर 68 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर। आसिफ तीन नंबर की जर्सी में, फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया है और डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले फील्ड कर लिया गया। इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर पर हरियाणा बी टीम का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 चार विकेट के नुकसान पर। बजाज फाइनेंस से किश्ती पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें। जीपीएल के अवसर पर विशेष छूट चल रहा है पलाश बोना रोड के समीप। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं नाज। आसिफ खान स्ट्राइक पर, जिन्होंने अभी तक 29 गेंदों पर 68 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके शामिल और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल। एक छक्का तो डोमटुली के अंदर जाके गिरा, अब तक का सबसे लंबा छक्का था वो जीपीएल हिस्ट्री का। इनिंग्स का आखिरी ओवर, हाट पड़ा इनसे तैयार गेंदबाज साजिद। फुल टॉस गेंद, सेकंड स्लिप पर मिसफील्ड हुआ गेंद। चार ओवर के सीमा रेखा से बाहर। तो इसी चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 129 पर। आखिरी ओवर प्रगति पर कुल मिलाकर 10-10 ओवर का मैच हरियाणा वर्सेस आउट ग्राम पंचायत के बीच। शोर के लिए फुल किया गया हाई स्कूल के अंदर 6 रनों के लिए एक और मैक्सिमम। ये रास्ते में है लेडी स्कोरर सिक्सर। एक और छक्का आसिफ के बल्ले से, 10वां छक्का। लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर आसिफ खान तैयार फिर से सामना करेंगे। 3 नंबर की जर्सी पे स्ट्राइक पर फिर से गेंदबाज तैयार, फिर से उड़ाया है और एक और मैक्सिमम, एक और 6 रन। ये रहा ब्लू इलेक्ट्रॉनिक सिक्सर। आसिफ के बल्ले से निकलने वाला ये 11वां छक्का। सभी छक्के लंबे लंबे छक्के लगे, 32 गेंदों पर 84 रन बनाकर खेल रहे आसिफ। फिर से शॉट गन उठा दिया है लेकिन विकेट कीपर से कैच कर लिया गया। तो एक बेहतरीन, एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आसिफ पवेलियन की ओर। उनके टीममेट्स ने तालियों से की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आसिफ के द्वारा। आउट ग्राम के सभी गेंदबाजों का धज्जा उड़ कर रख दिया उन्होंने। अकेले वन मैन आर्मी आसिफ खान। साजिद फिर से फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। एक ही रन से संतुष्ट स्लो गेंदबाज साजिद द्वारा। तो कल का मुकाबला देख रहे ना दोपहर 2 बजे से बरतला पंचायत वर्सेस पलासबना पंचायत के बीच। अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुकाबला होने की संभावना, हाई वोल्टेज मुकाबला कल का मुकाबला 2 बजे से। इसी बीच गेंदबाज हाट पड़ा इनसे फिर से तैयार। बहुत ही बेहतरीन गेंद ब्लॉक हॉल पर और यहां पे रनआउट की गुंजाइश और रनआउट। तो यहां से 10वें ओवर की समाप्ति पर हरियाणा बी टीम का स्कोर 143, यानी कि आउट ग्राम पंचायत को इस मैच
इसको जीतने के लिए 144 रन बनाने होंगे। सेक्रेटरी आदिल अख्तर, अध्यक्ष रियाज रजा, उपाध्यक्ष मुबारक अंसारी, कोषाध्यक्ष एम दादुल हक, सलाहकार मोहम्मद काबिल अहमद, मुखिया जी मोहम्मद जब्बार शेख, पूर्व मुखिया जय किसान ब्रिक्स। पूरे गुमाणी वासियों को नए साल 2023 की स्वागत देने एक बार फिर से जीपीएल परिवार की तरफ से जीपीएल सीजन 5 लेकर आपके बीच हाजिर है। संयोजक अकील अख्तर, पूर्व विधायक एवं समाज सेवी, चेयरमैन अफीफ अमसल, सेक्रेटरी आदिल अख्तर, अध्यक्ष रियाज रजा, उपाध्यक्ष मुबारक अंसारी, कोषाध्यक्ष एम दादुल हक, सलाहकार मोहम्मद काबिल अहमद, मुखिया जी मोहम्मद जब्बार शेख, पूर्व मुखिया मोहम्मद शरीफ फहद, मोहम्मद रफीक फहद, मैनेजमेंट सद्दाम हुसैन, शहबाज आलम, मीडिया राजा बाबू, फारूक अहसान, तोफाइल शेख राजा बाबू, कमेंट्री मैनेजमेंट आफताब आलम, मोहम्मद शाकिर सर, वो वाला माइक तो भेजवाइए ना, वो माइक तो फील्ड मैनेजमेंट खान, अजहार अंसारी, हानिक अंसारी, हाबील अहमद एवं कादीम खान इत्यादि, मोबाइल स्कोरर अखलाकुर रहमान, मोहम्मद सनाउल्ला, कमेंटेटर राजा बाबू एंड फौजन आलम। इस आयोजन में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजा वहाँ एक और माइक होगा। अरे यहाँ कॉर्डलेस नहीं है, ठीक नहीं, वो वाला भेजिए ना। के आयोजन में कई सारे ब्रांड, आवाज बढ़िया आ रहा है उसमें करना, स्पॉन्सर कर वाला भेजिए, ऐसे नहीं हो रहा है वाला भेजिए, उसमें कौन कमेंट्री कर रहा है, और करना तो वहीं से कीजिए। वहां तो एक एयर वाला फारूक हसन के पास ही है, तो उससे तो वो काम कर रहा है। चश्मा घर एंड डेंटल केयर क्लिनिक। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं अख्तर स्पोर्ट्स गुमाया दी। इसमें बैटरी लो है राजा बाबू, इसमें बैटरी लो है, काम नहीं कर रहा ठीक से। शिक्षा की विशेष व्यवस्था। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं अंसर मोबाइल स्टोर, यहाँ बजाज, टीवीएस एवं सैमसंग का फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। किसी भी कंपनी का मोबाइल पाए किश्ती में डॉक्टर हाशिम राजा के सामने। हमारे अगले स्पॉन्सर के रूप में है स्नेहा लेडीज एंड जेंट्स कॉर्नर, यहाँ शादी का कपड़ा एवं सभी प्रकार के शर्टिंग, शूटिंग, साड़ी, सलवार सूट, जींस,
टी शर्ट इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पूर्व मुखिया जब्बार द्वारा संचालित हाजी मार्केट। हेलो, हमारे अगले स्पॉन्सर हैं मिड पब्लिक स्कूल। नर्सरी से आठवीं तक हॉस्टल सुविधा के साथ मॉडर्न और इस्लामिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था पाकुड़ रोड में स्थित। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं अख्तर स्पोर्ट्स गुमानी। गुमानी के बहुचर्चित स्पोर्ट्स दुकान जहां आपको मिलेगा क्रिकेट फुटबॉल सहित सभी खेलों का जर्सी बल्ला कप जूते इत्यादि उचित मूल्य पर। ए प्लस और विकी स्पोर्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर सलीम किराना दुकान के बगल में। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं ब्लू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। यहां बजाज फाइनेंस पर इलेक्ट्रॉनिक सामान इन्वर्टर फ्रिज टीवी इत्यादि 0% ब्याज पर किस्ती पर उपलब्ध है ब्लू टेलर के निकट। अगले स्पॉन्सर है रॉयल केक शॉप पाकू। यहां बर्थडे केक वेडिंग केक एनिवर्सरी केक फ्रूट केक कुकीज पिज्जा बर्गर इत्यादि उपलब्ध है 100% भेज पाकुड़ होटल मुस्कान एवं सागर स्वीट्स के बगल में। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं टैलेंट सर्च पब्लिक स्कूल कोटाल पोखर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपका विश्वास। एड बंद कीजिए। शून्य से शिखर तक पहुंचाने की गारंटी। माइक तो आएगा या नहीं आएगा? और नहीं आएगा तो वहीं से कमेंट्री बैठ के कीजिए। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं आकाश चश्मा घर एंड डेंटल केयर क्लिनिक। आंख एवं दांत से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज नेत्र विशेषज्ञ एवं दांत विशेषज्ञ द्वारा की जाती है दादा भाई बेकरी के सामने। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं न्यू जेनरेशन आईटी सर्विसेज। हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन के लिए संपर्क करें गुमानी में एकमात्र वाईफाई प्रोवाइडर। कंप्यूटर सेल सर्विस एवं सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं म्यूजिक बंद करो यार। मिड चलिए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं कमेंट राजा बाबू बॉल टू बॉल लेकर हरिहरा बी वर्सेस आहुट ग्राम। सुनील और ढंग की जोड़ी मैदान के अंदर और गेंदबाजी मिस्टर सोनू। घुमाना चाहते हैं पूरी तरीके से मिस टाइम वर्क। अच्छी गेंदबाजी अभी तक दिखी है हरियाणा बी टीम के तरफ से। एक ही रन बना है 144 का टारगेट। 10 ओवर में 144 बनाने पड़ेंगे। 14 ओवर में 144 बनते हैं मगर आज 10 ओवर का गेम रखा गया समय की कमी की वजह से। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है ना जबरदस्त बल्लेबाजी। अच्छी गेंदबाजी अभी तक विकेटों पे निशाना साध रहे हैं डंक और सुनील मैदान के अंदर है। इन दोनों का रहना खास जरूरी मैदान के अंदर। अगर अंत तक ये रहेंगे तो मैच कुछ हद तक बन सकता है। 144 का टारगेट अब जब भी चेज करते हैं ना तो कम से कम पावर प्ले में 60-70 रन बनाने पड़ेंगे। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड लगाया है सीधे 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट अच्छा शुरुआत कहा जाएगा। यह पहली ओवर प्रगति पे है। 8 स्कोर बने हैं बिना किसी नुकसान के। 8 रन। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक दिखी है। दोनों बल्लेबाज तैयार हैं।
अरे भाई साहब जबरदस्त शॉट है ये, पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, बैक टू बैक ओवर बाउंड्री। इसी के साथ स्कोर में इजाफा 14 बिना किसी नुकसान के। आहुट गराम तैयार है आज दूसरी टीम को नीस्त नाबूद करने के लिए। गेंदबाजी यूनिट जो है ना थोड़ी सी ढीली दिखेगी हरियाणा से, क्योंकि दो गेंदबाज आज शॉट दिखने वाले हैं। इसके बाद शायद जगदीश गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं या फिर मनीष भी आ सकते हैं। मनीष ने आज अच्छी पारी खेली, अकेले दम पे एक अच्छा स्कोर तक पहुंचाया है, 144 का टारगेट दिलवाया है। आसिफ खान बल्लेबाजी जब कर रहे थे ना ऐसा लग रहा था इनको फुटबॉल दिखाई दे रही थी मैदान के अंदर, सारे गेंद स्टैंड में गिर रहे थे सीधे। 144 का टारगेट है, 10 ओवर में बनाने पड़ेंगे। एक ओवर समाप्त हो चुके हैं, इनके बाद 9 ओवर बचेंगे, 14 बने हैं, 130 अभी भी चाहिए, 9 ओवर में 130 रन। आसिफ खान तैयार मिस्टर सुनील के लिए, खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और गई मगर अच्छा शॉट, ये चेक शॉट माना जाएगा मगर रन मिले और भाग्यशाली है कि फील्डर के हाथ में नहीं गई, नो मैन्स लैंड में गिरी। एक गेंदबाज शायद हरियाणा से गुलफाम भी करने वाले हैं, वो इस पिच पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अगर उनका दिन अच्छा रहा ना तो बल्लेबाजों का दिन खराब करने वाले हैं, मगर कप्तान कब लेके आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आसिफ खान आज तो बिल्कुल चले सीनातान है, देखना दिलचस्प है गेंदबाजी में क्या अपना जोहर दिखा पाते हैं। 15 बन चुके हैं, ये दूसरा ओवर प्रगति पे है, विकेट अभी तक नहीं गया है। अगर पावर प्ले में विकेट ना जाए ना तो ये दोनों बल्लेबाज इस तरीके से खेलते हैं, खास करके डंक, तो ये डंक डसने वाले हैं। अंपायर का निर्णय अंतिम सर्वान, अच्छा शॉट, गेंद गई सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ कुल बर्ताव स्कोर 19 रन। कैच की कॉल है, क्या कैच हो पाएगा? अरे भाई साहब कैच छूटा या फिर मैच छूटा है? जब भी कैच छूटता है ना तो भाई साहब लाले पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैच छूटा था, बातचीत में 1 रन ले गए। एक आसिफ खान का भी मिस टाइम कैच छूटा था, वहां से उन्होंने रन बनाया, 2 नो बॉल मिली। जब नो बॉल लगी थी ना उसे पैड पे जाके टकराई थी, वहां से वो जो बल्लेबाजी का रुख बदला ना भाई साहब वो भयंकर रूप धारण कर चुके थे। और ये भी कैच छूटा है डंक का, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 ओवर बाउंड्री 1 बाउंड्री लगा चुके हैं अब तक। तो उनका जब कैच छूटा है तो आप सोच सकते हैं उनका मनोबल, जब भी बैट्समैन का कैच छूटता ना उनका मनोबल थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आप उस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो जहां पे आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। GPL सीजन 5। एक और कैच छूटा है दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों का। अब गेंदबाज कर ही क्या सकता है, वो मौके दे रहे हैं, अब मौके गवा रहे हैं। इससे गेंदबाज का जो मनोबल है ना वो बिल्कुल निचले स्तर पे चला जाता है, वहां पे आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने कैच दिया, मैंने आपको मौके दिए, वो सारी चीज मैंने करके दी, अगर आप कैच नहीं पकड़ते हो तो ये आपकी गलती है, ये आपकी टीम की गलती है, आपके फील्डर की गलती है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, जले पे नमक छिड़का है, एक और शायद बाउंड्री, बाउंड्री तक तो जाएगी नहीं मगर ये बाउंड्री तक जाने वाली थी, अच्छा मौका पाया है। दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवन दान, जब भी जीवन दान मिला है तो दूसरी टीम को
अब वो नेत्रदान जैसा हो जाता भाई साहब, क्या आपकी आंखें नोच जाएंगी ये बल्लेबाजी अगर चल आखिर के 10 ओवर तक चल गई तो। दोनों में से कोई भी एक बल्लेबाज अगर आखिर के 10 ओवर तक रह गए और मैच जीत गए तो फिर आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आपने कहां गलती की। गलती तो दिखी है, दो कैचेस एक ही ओवर में टपकाए हैं आपने। ये नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, ये नहीं छोड़ेंगे। इक्कीस के स्कोर पे गवाया अपना पहला विकेट। मिस्टर सेजा कोटाल पोखर और फुटानी मोड़ में स्पॉन्सर के रूप में हमारा अगला ब्रांड है प्रियोजन ऑटो कोटाल पोखर, जहां आपको बजाज एवं टीवीएस मोटरसाइकिल के अधिकृत विक्रेता बजाज शोरूम कोटाल पोखर में और टीवीएस शोरूम बरहड़वा तेतुलिया रोड में स्थित है। एमराज सिंह, साहब दी ग्रेट, क्या आज ग्रेट हो पाएंगे। सोनू अरे भाई साहब एफर्ट के नंबर 100 में 100 कैच जरूर छूटा है, मगर आपने एफर्ट लगाए वो उनके जो नंबर मिलने चाहिए ना आपको पूरे मिलेंगे। अच्छी गेंदबाजी मिस्टर सोनू के द्वारा। अरे भाई साहब ये झले पे नमक है, कैच छूटा मगर ये बंदा का जो रवैया ना खेलने का बिल्कुल नहीं बदला है। इन्होंने कहा कि स्कोर पे 144 है, उसको करने के लिए जितनी जद्दोजहद है वो करेंगे, वो लड़ेंगे, वो बिल्कुल रुकेंगे नहीं। तैयार फिर से कैच की कॉल है, फिर से नो मैन्स लैंड। चलिए अंदर लाने की कोशिश थी, बाहर गई है। आज मिस फील्ड जो दिखी है ना सारे लोकल प्लेयर से दिख रही है, और जो फॉरनर है वो सोच रहे हैं अब हम पांच ही हैं, पांच में क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी भी करनी होती है, एक विकेट कीपर भी चाहिए और तीन ही फील्डर बचते हैं, तो तीन को तीन 11 के बराबर नहीं हो सकते भाई साहब। फील्डर की कमी तो दिखी है, यही प्रॉब्लम होती है जब भी आप लोकल जो प्लेयर आते हैं ना अगर वो खास करके क्षेत्र रक्षण में कमी दिखी तो जो आपके फॉरनर आते हैं उनका मनोबल बिल्कुल नीचे चला जाता है। ये देखिए जले पे नमक, गेंद एक और बाउंड्री, जैसे कैच छूटता है या बाउंड्री जाती है मिसफील्ड से तो उसके बाद जो बाउंड्री लगती है ना तो वहां थोड़ी दिक्कत है। जीपीएल सीजन 5 एक साल शुरू हुआ था, दूसरा चला, तीसरा चला, ये पांचवा साल तक हम सब पहुंच गए हैं और नए नए एनिमेशन के साथ पहुंचते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और आज तक जो पहुंचा है ना ये अनबिलीवेबल एडिशन किया गया है। आने वाले दिन में अभी पुंसल जी का अगर साथ रहा तो जीपीएल सीजन 100 तक भी हो सकता है। भाई साहब नीचे फील्डर है, क्या लपक पाएंगे नीचे जगदीश, ये नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नो बॉल है। अरे भाई साहब नो बॉल, आज के इस मैच में अब तक 6 नो बॉल हो चुके हैं। महाराज पूरा बाकी महाराज बाकी एक मिनट।
स्क्रेच आ गए, ये जब भी आता है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। स्प्रे है क्या इमदादुल भाई? ये इमदादुल यहाँ आइए, कमेंट्री बॉक्स में इमदादुल आएंगे। इमदादुल चलिए, चले पे नमक छिड़का है, नो बॉल होती है, कैच होती है, सारी चीज आज इस मैच में दिखी है। फ्रेट था उसका फायदा उठा नहीं पाए। 39-39 पे एक, ये दूसरा तीसरा ओवर प्रगति पर है। लंबाई का फायदा उठाया, अगर यहां थोड़ा सा छोटे कद के फील्डर होते थे सीधे बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर समाप्ति पर कुल स्कोर 40 रन। अभी भी काफी ज्यादा रन चाहिए, 104 अभी भी चाहिए। 7 ओवर में 104 चाहिए, बनते हैं इस मैच में। इस पिच पे कई बार ऐसा देखे आप बना बन चुके हैं। सुनील सिंह और हेमराज सिंह की जोड़ी मैदान के अंदर, दोनों सिंह भाई साहब तैयार हैं। गेंदबाजी में पहली बार जगदीश, उड़ाया है पीछे फील्डर, भाई साहब अंपायर का इशारा, 6 रन। एक रन, इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48। अच्छा शॉट है, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री के बाहर, एक और मिस कैच। अब आप कर ही क्या सकते हो, आप मौके बना के दे रहे हो, मौके हाथ से छूटता जा रहा है। 5 प्लेयर है जिनमें से एक गेंदबाज एक विकेट कीपर होता है हर बार हर ओवर में। मगर जो दिक्कत आती है ना कि फील्डर तो 3 ही फील्डर, आपको 5 बाहर रखने हैं।
अच्छा शॉट। अरे भाई साहब आज मिसफील्ड से ही ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है ऐसा मुझे कि मिसफील्ड से मैच हार जाएंगे। अब तक 5 मिसफील्ड हो चुकी है जिसमें से 2 कैच ड्रॉप किया गया, 3 बाउंड्री आई है। तो यहां से आप सोच सकते हो कि अभी 4 ओवर कंप्लीट नहीं हुए, 4 ओवर कंप्लीट होने से पहले अगर आप 5 मिसफील्ड करते हैं जिसमें से 12 रन आप देते हैं, 2 बड़े बैट्समैन का कैच छोड़ते हैं, तो वहां थोड़ी सी मुश्किलात है। और अगर आपको पहले 3-4 ओवर में बड़े बैट्समैन का कैच ड्रॉप करना तो महंगा पड़ेगा भाई साहब, आपको सोचने में मजबूर। कप्तान आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। दो बाउंड्री तो इस ओवर में आ चुकी है और एक चाहिए, हर ओवर में कम से कम 3 बाउंड्री चाहिए। अच्छा शॉट पीछे, फील्डर चेंज किया गया था, मगर जो कहावत है ना कि आप कुछ भी कर लो जो फैसला आना है वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होती है। अब आपके हाथ में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप सारे फील्डर जो लोकल के रूप में खेल रहे हैं उनसे ढीलापन दिखाया है। बजाज एवं टीवीएस मोटरसाइकिल के अधिकृत विक्रेता बजाज शोरूम कोटाल पोखर में और टीवीएस शोरूम बरहड़वा तेतुलिया रोड में स्थित है। हमारे स्पॉन्सर के रूप में अगला ब्रांड है भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक्स श्रीकुंड। साठ, 4 ओवर समाप्ति पर 60, यानी 15 का रन रेट जो मेंटेन करना था ना वो तो यहां से मेंटेन करके रखा है। अच्छी बल्लेबाजी देखिए, जबरदस्त मैच देखा, ये अंत तक जाएगा, ये 10वां ओवर तक मैच जाएगा, तो तैयार रहिए। कैच की कॉल है भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर से उड़ा है। अगर कैच लेना है ना तो आपके पैर में जो स्प्रिंग वाला जूता मिलता है वो खरीदवा लीजिए, वो मंगवा लीजिए अपने जो कप्तान है उनसे, क्योंकि बल्लेबाज ये बिल्कुल बेखौफ खेल रहे हैं, ये बेखौफ अंदाज में कर रहे बल्लेबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करके रखा, ये इसकी स्पेशलिटी है भाई साहब। ये और छक्का आया है, मैच में थोड़ा सा और रोमांच लाया है। अब बॉल दे दीजिए, बॉल दीजिए जल्दी से। अंपायर महोदय बॉल चेक कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि ये बॉल सही है तो वो गेम प्ले करवा सकते हैं। यानी इस ओवर का कोटा तो यहां से अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। कितना रिक्वायरमेंट रन चाहिए सर, अखलाकुर जी बता दीजिए। 34 गेंदों 72 चाहिए। हमारे साथ मौजूद है कॉपी स्क्रॉलर शोएब अब्दुल अलीम जी उसके साथ, और मोबाइल स्क्वायर के रूप में मौजूद है आज अखलाकुर रहमान, ऑपरेटर के रूप में मौजूद है मिस्टर फारूक हसन। ये कैच की कॉल है, कैच की कॉल है। अरे भाई साहब 5 कैच छूटा है आज। ऑपरेटिंग के रूप में मौजूद है गुमानी लाइव के ऑपरेटर मिस्टर फारूक हसन, और हिंदी कमेंटेटर मौजूद है हमारे साथ आफ्ताब आलम जी, कैमरामैन मौजूद है मिस्टर देव आशीष, मिस्टर सोहेल, ये सारे लोग आज। भाई साहब जले पे नमक छिड़का है, एक और छक्का लगाया है, मैच को और थोड़ा सा रोमांचक सा बनाया है। अठहत्तर रन, ये हेमराज है, ये सिंह साहब द ग्रेट।
एक तरफ आसिफ खान कर रहे थे बल्लेबाजी, दूसरी तरफ ये दोनों कर रहे हैं जबरदस्त बल्लेबाजी। भाई साहब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, दोनों तरफ तैयारियां हैं। कहां गई है कहां गई है कहां गई है, काफी दूर गई है। आहट ग्राम, ये आहटों की बारी है, ये फाइनल तक पहुंचने की एक छोटी सी चिंगारी है। अपना चिंगारी को एक अलग सा नाम दिया है, अपना एक अलग सा पहचान बनाया है। ये वर्चस्व की लड़ाई है, इस लड़ाई में एक छोटा सा इनाम पाया है 84 रन। ये पांचवा ओवर प्रगति पर है, ये रोमांच है जीपीएल का। कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी ये किसी को नहीं मालूम जब तक आखिरी रन और आखिरी गेंद कंप्लीट ना हो जाए। भाई साहब लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। अरे भाई साहब थोड़ा देख के मारो यार, अगर कहीं इधर चोट लग गई ना तो ये आवाज गूंजेगा नहीं मैदान पर। फिर अफ्ताब सर थोड़ा सा मंच पे आएंगे, इम्पोर्टेंट कॉल फॉर यू, एन अर्जेंट मैसेज। अफ्ताब सर थोड़ा सा फोन जल्दी आइए, अर्जेंट काम है। अफ्ताब सर थोड़ा सा अर्जेंट बात है, यहाँ सद्दाम भाई बुला रहे हैं। मिस्टर जगदीश आप यहां अपडेट कीजिए ना। कुमारी प्रीमियर बिंदा। एक और सिंह साहब आए हैं, 90 बन चुके हैं, छठा ओवर प्रगति पे, दो ही विकेट गवाया है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्षेत्र से लगाने के लिए, हर गेंद में आपको वो जो एक स्ट्रेटजी होता है ना वो काम करना पड़ता है, वो सूझबूझ से क्षेत्र रक्षण लगानी पड़ती है। ये बल्ला तो घुमाएंगे, स्कोर काफी बोर्ड में है तो ये बल्ला घुमाएंगे, रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। मगर हेमराज का कहना है कि थोड़ा सा रुको, मैं हूं ना, और आज मैं हूं ना की तरफ से क्रिकेट खेला है, उतरी उसी अंदाज में खेला, बिल्कुल बेखौफ खेला है। जगदीश ये इंपॉर्टेंट ओवर है इनका, ये आखिरी ओवर होगा तो ये ओवर निकालना चाहेंगे क्योंकि गेंदबाजी की कमी तो खलेगी, वो आखिर के जो दो ओवर है ना वो थोड़ा सा परेशान करेगा। कोई नहीं आप आराम से खेलो, ये हमेशा जो 9 सेकंड पे खड़े हैं ना वो कह रहे हेमराज कि आप थोड़ा सा ये ओवर निकाल लो। और ये हरियाणा
चाह रही है कि एक विकेट यहां से और मिल जाए ना तो फिर आपको लाले पड़ने वाले हैं। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, एक और बाउंड्री, स्टेट ड्राइव, इतनी तेज थी गोली की रफ्तार से भी तेज थी भाई साहब। 94 रन, यानी यहां से 50 रन की दरकार है और इसके बाद चार ओवर ही बचेंगे। अच्छा शॉट, उतनी अच्छी क्षेत्र रक्षण, फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया। पचास चाहिए और चार ओवर में 50 रन, मैच अंत तक जाएगा, आखिरी गेंद तक जाने वाला है। तैयार हो जाइए लड़ने के लिए क्योंकि दोनों टीम तैयार है। एक विकेट अगर गिरा ये ओवर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि ये विकेटों का ओवर। हाबील अहमद एवं कादीम खान इत्यादि, मोबाइल स्कोरर अखलाकुर रहमान, मोहम्मद सनाउल्लाह, कमेंटेटर राजा बाबू एंड फौजन आलम। इस आयोजन में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस टूर्नामेंट के आयोजन में कई सारे ब्रांड हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे जे किशन ब्रिक्स हुटानी मोड, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी। एक रन और 49 चाहिए, एक एक रन और एक एक बॉल ये चीज रहेगी। और जो गेंदबाज है ना, इनका आखिरी ओवर है तो क्या यार, ये गेंदबाज को थोड़ा सा स्ट्राइक लेना चाहेंगे या फिर वेट करेंगे आखिर के तीन ओवर का, क्योंकि ये गेंदबाज काफी चालाक है, काफी चतुर है, थोड़ा सा बाहर डालते हैं, स्लोअर डालते हैं, इनके पास वो सारी कला है जो एक अच्छे ऑलराउंडर एक अच्छे गेंदबाज में होना चाहिए। ये 16 कला संपूर्ण है, 24 कैरेट सोना है। चलिए पकड़ा है, पकड़ा है, काफी देर के बाद पकड़ा है। यही चीज का इंतजार कर रहे थे कि लोकल जो प्लेयर है उनसे थोड़ी सी आप यही एक्सेप्टेशन रहते क्योंकि क्षेत्र रक्षण कम से कम ठीक हो जाए भाई साहब। अभी तक तो ओवर की अच्छी खासी शुरुआत हुई है, मगर हेमराज है ना, ये रुकेंगे नहीं। अगर रुका है, काफी सूझबूझ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो चाह रहे कि कम से कम ओवर निकले। नाइन्टी सेवन अगर यहां इस ओवर में तीन भी बनते हैं तो आखिर के तीन ओवर में 44 चाहिए भाई साहब। ये कहां गई गेंद, हाई स्कूल का ग्राउंड आज ना दहलने वाला है, और हाउस हाई स्कूल का जो इमारत देख रहे हैं ना उनको भी हिला सकती है छक्के जो लग रहे हैं। 103 बना है, दूसरी टीम को थोड़ा सा निस्तनाबूद किया है। अंपायर महोदय वक्त बिल्कुल नहीं लेंगे, ये अच्छी अंपायरिंग है, ये अच्छी अंपायरिंग है। आप अंपायर से बिल्कुल बहस ना करेंगे, अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है। बोल दीजिए अंपायर से बिल्कुल बहस ना करेंगे, अंपायर के पास वो अथॉरिटीज है कि आप कभी भी चलिए अच्छी वापसी 103, ये सातवां ओवर प्रगति पर है, दो ही विकेट मात्र गवाए। अगर अच्छी चीज देखी जाए ना आउट ग्राम की तरफ से कि विकेट आपके हाथ में 8 बची हुई है, जब विकेट आपके हाथ में होते हैं ना तब मजा आता है बल्लेबाजी करने में।
फिर से घुमाने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से नाकाम रहे। अच्छा ओवर कहा जाएगा इस सिचुएशन में, ऐसा ओवर आके डालना काबिले तारीफ है। इसके बाद तीन ओवर बचेंगे। इलाज नेत्र विशेषज्ञ एवं दांत विशेषज्ञ द्वारा की जाती है, दादा भाई बेकरी के सामने। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं न्यू जेनरेशन आईटी सर्विसेज। हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन के लिए संपर्क करें गुमानी में एकमात्र वाईफाई प्रोवाइडर। कंप्यूटर सेल सर्विस एवं सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं डॉक्टर ए के मेमोरियल चाइल्ड एकेडमी श्रीकुंड। नर्सरी से सातवीं तक की पढ़ाई, आज ही अपने बच्चों का। एक सौ तीन, 41 से ये तीन ओवर में। मनीष रावल अपील है, अपील जोरदार अपील है, मगर अंपायर बिल्कुल। हाँ चलिए, हम मनीष वैसे गेंदबाजी करते नहीं है, मगर ये मैं बता दूं कि जब भी गेंदबाजी करते हैं तो ये विकेट टेकर गेंदबाज है, ये पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं। जब भी विकेटों की दरकार होती है या फिर पिटाई होती है तो ये आते हैं और अच्छा विकेट ले जाते हैं। कई मैचेस में इसको देखने मिला है। एकमात्र बल्लेबाज है जो शतकों का वीर कहा जाता है इनको। चलिए विकेट टेकर गेंदबाज है, नीचे फील्डर है। भाई साहब यार आज दिन बिल्कुल खराब है, ये जो लोकल प्लेयर था नहीं भाई साहब, ये आज दिन ही खराब है। अब थोड़े से जो लोकल प्लेयर है ना वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो कुछ गलत किया था, मगर ये और गलत कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका था विकेट टेकर गेंदबाज है और विकेट दे के जाते हैं। जब भी गेंदबाजी के लिए आए मैंने इनको देखा है ये विकेट दिलाते हैं। एक ईपीएल सीजन में 2 शतक जड़ा था और 7 विकेट दर्ज किया था ये 2021 में। जीपीएल सीजन 5 जबरदस्त टूर्नामेंट, अफीफ अमसल का ये टूर्नामेंट गुमानी वासियों के लिए एक सुनहरा इनाम। भाई साहब जले पे नमक छिड़का है, एक मौका तो दिलवाया था आपको, इस मौके की आपने गवाया है और क्या गवाया है। एक और दूसरा टीम बड़ा सा छक्का पाया, 110। अब थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गया, आखिरी गेंद तक मुकाबला जाएगा ये आप लिख के ले लो भाई साहब। पहली गेंद से मैंने कहा था कि मुकाबला कड़ा होगा, रन कितनों बने मुकाबला अंत तक जाएगा, अभी तक तो अंत तक गया है। चलिए फिर से पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या बाउंड्री हो जाएगी, पीछे फील्डर हैं। अरे भाई साहब 2 रन हो गए हैं, 1 रन बनने चाहिए, 2 रन बन रहे हैं, इसी चीज को सोचने पे मजबूर कर दिया है। 112 बन चुके हैं, 32 चाहिए और 14 गेंद 32 रन। क्या एक और बाउंड्री आएगी, मुझे ऐसा लग रहा आएगी, आएगी भाई साहब। ये प्रेडिक्शन है राजा बाबू का, उनकी बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। ये पांडा सिंह, सिंह साहब द ग्रेट। क्या गुलफाम गेंदबाजी करने के लिए आ सकते थे, पार्ट टाइम गेंदबाज को नहीं लाके, क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉलर हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। अतः कप्तानी जब भी दूसरे के हाथ में जाती है ना वो अलग करना चाहते, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते, तो यहाँ मिस कैलकुलेशन हो चुकी है। 26 चाहिए, अरे भाई साहब अब ले लो भाई साहब, 20 चाहिए और 12 गेंद में 20 रन। हेलो टाटा गुड बाई, टाटा बाय बाय। जो गेंद है ना बॉल की ट्रक मंगवा लीजिए, कई ट्रक लगने वाली है बॉल, जितनी छक्के चौके लगे ना इस मैच में। 10 ओवर के गेम में सिर्फ छक्के और चौके की बारिश हुई है, एक तरफ आसिफ खान और दूसरी तरफ चाहे पांडा सिंह हो या हेमराज। प्रचार के सेट सुपर साउंड स्टूडियो भागलपुर, रिकॉर्डिंग प्रचार के लिए संपर्क कीजिए 8084265092।
अब 20 चाहिए। एक्सपेंसिव ओवर, मौका मिला दूसरी गेंद पे गवाया, उसके बाद बैक टू बैक सिक्सेस। चलिए अब गेंदबाजी के लिए आए हैं शुभम सेवा। बीस रन लगाता है भाई साहब इसको, अब आए 20 रन चाहिए दो ओवर में, मैच खत्म हो जाएगा इस ओवर में। बीस रन चाहिए पहला ओवर में, 30 रन खर्च किए थे फिर भी आए गेंदबाजी के लिए, इनकी दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। एक सौ चौबीस पे दो है, 144 का टारगेट को चेज कर रही है, उड़ाया है पीछे फील्डर, बनेंगे दर्शक एक और बाउंड्री और 16 चाहिए। ये ओवर मैच खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि फ्लाइट पकड़ना है इनको। मिस्टर हेमराज 15 गेंदों पर 45, क्या अपना अर्धशतक पूरा पाएंगे, अपना अर्धशतक को पूरा कर पाएंगे क्या महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में। ये देखो धोनी का स्टाइल में लगाया है छक्का, ये धोनी के स्टाइल में बल्ला भी दिखा दो भाई साहब। हेमराज सिंह आपका 51 रन पूरा हो चुका है, वो बल्ला लहराना शायद मैच जीत के चाहते हैं। 132 बनाए, ये और मैच खत्म करने की बात, 10 आ चुके हैं पिछले दो गेंदों में। चलिए एक रन, इस एक रन के साथ कोई बर्ताव, स्कोर 135, 9 रन चाहिए और 8 गेंदों में 9 रन। साहेबान भाई मैच भी देख रहे हैं क्योंकि उनका मुकाबला होने वाला है इनके साथ। आउट ग्राम टीम के कप्तान से अनुरोध होगा कि वो आएंगे और दो पेटी बॉल लेके भी आएंगे, अब तक दो पेटी बॉल खत्म कर चुके हैं आउट ग्राम की टीम। 141, 3 रन चाहिए। मैंने अनाउंस किया था इस ओवर में कि ये इस ओवर मैच खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया भाई साहब, क्या धोनी के स्टाइल में फिनिश कर पाएंगे। चलिए मैच खत्म हो गया है, अनाउंस किया था और उस अनाउंस को पूरा किया। हसनाथ, हसनाथ जी आ जाएंगे, हरिहरा बी के कैप्टन हसनाथ मंच पे आएंगे। हेलो हेलो आफ्ताब सर मंच पे आएंगे।
दोनों टीमों के कप्तान मंच पे आ जाएंगे। दोनों टीमों के कप्तान आहुत ग्रांड टीम के कप्तान और हरिहरा बी टीम के कप्तान। हरिहरा बी टीम के कैप्टन, हरिहरा बी टीम के कैप्टन तफीजुल इस्लाम, हरिहरा बी टीम के कैप्टन तफीजुल इस्लाम। सोहेल वाइट तो ऑन कीजिए, सोहेल ऑपरेटर, सोहेल भाई कहाँ सर है? हेलो हेलो आ गए हैं। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मैच का मैं थोड़ा सा विश्लेषण, 144 का टारगेट दिया था उसको आसानी के साथ चेज किया है 9 ओवर में 144। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि 144 कैसे बन गए, मगर बनाया ना धूम धड़ाक। वो जो ओवर बाउंड्री बाउंड्री लगी, 5 कैचेस छूटे। तो सबसे पहले रनर टीम के कैप्टन मिस्टर ऑफिस को बुलाना चाहते हैं, प्लीज आए। सबसे पहले तो बैड लक से मैच आप हारे हैं, तो आपके हार के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर कि कहाँ मिस, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई वहाँ हार गए? मेरी टीम मतलब ऐसे फील्ड में शांत नहीं दिया, कैच बहुत सारे कैच छोड़ दिया है, और बाकी सब प्लेयर हायर लाए थे वो लोग 5-6 था, लेकिन लोकल 5-6 थे, हम लोग का कोई लोग साथ नहीं दे पाए। चलो अच्छी बात कही कि आपके लोकल की तरफ से जो आप सपोर्ट मिलना चाहिए था वो आपको बिल्कुल नहीं मिला, तो क्या हमारे जो जीपीएल के मैनेजमेंट है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जीपीएल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा है, मतलब अंपियरिंग और जैसे दर्शक सब कुछ मतलब अच्छा ही है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। चलिए थैंक यू, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ईयर अगर आप आए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। विनिंग टीम के कप्तान सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने मैच जीता और क्या खूब जीता, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी थी कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग फिर इतना एक लंबा स्कोर चेज करना, उसके बारे में बताएं सर। थैंक यू। मैं बोलना चाहता हूँ हम लोग का टीम जो है बैटिंग बढ़िया है, थोड़ा बॉलिंग में कमज़ोरी है, और बॉलिंग में कमज़ोरी होने का मतलब है अक्सर क्या होता है जब यहाँ का जो है ऑलराउंडर आता है और ऑलराउंडर की कमी की वजह से मैंने बैटिंग में ज़्यादा ध्यान देता और बॉलिंग में कम, इसलिए मैं सोचता था जो 120 तक रोक लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। रन जो हुआ वो 144 तक चला गया, तो मुझे उम्मीद है, पहले से मुझे उम्मीद था जो मैं जीत लूँगा, और क्योंकि हम लोगों का बैटिंग जो है देखा जाए तो 10 ही बैटिंग है अगर देखा जाए तो, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद था जो मैं जीत जाऊँगा।
मगर जो आपकी क्षेत्ररक्षण जी बल्लेबाजी दूसरी ऑपोजिट टीम कर रही थी, आपने भी चार कैचेस छोड़े थे वो भी आसान आसान, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और कैच जो छूटा था, असल बात क्या है, बहुत दिनों से खेल नहीं होता है और हम लोग जो होता है, हम लोग जो है वो खेलते नहीं है, बाहर रहते अक्सर, और इसीलिए लोकल प्लेयर जो होता है वो थोड़ा फील्डिंग में कमजोरी है, और वो जो है करीब था, गेंद आता है तो नहीं सही से नहीं पढ़ पाते हैं, उसकी कमी है, ये कमी दूर करेंगे हम। दूसरा मैच के लिए जो नेक्स्ट मैच आपका होने वाला है उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी रखे हैं, यही सेम टीम आएगी या कुछ बदलाव करना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों का टीम यही रहेगा, लोकल प्लेयर तो यही रहेंगे, बाहरी वाला अगर देखा जाएगा वो क्या होगा नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब उस शख्स को बुलाते हैं जो 144 का टारगेट चेस करने के समय ठान के आया था कि जो हो जाए कुछ ना कुछ तो करना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो मगर अंजाम के लिए खेलना है, जान जोखिम में डालकर खेला है, आप सबका चहेता आज के मैच का मैन ऑफ द मैच मिस्टर पेंदा सिंह, प्लीज वेलकम। पेंदा सिंह के लिए जोरदार ताली हो जाए। मिस्टर पेंदा सिंह, चला गया क्या, कोई और आके रिसीव कर लीजिए। आज का मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, कौन है, आ रहे हैं क्या, आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो चेक, कल आखिरी लीग मैच है, जुमा के बाद होगी वो, 2 बजे शुरुआत होगी, पलासपोना वर्सेस बरतल्ला के बीच। बरतल्ला पिछले 3 साल खेलने यहाँ आई और तीनों साल उनका जो मैच रहा था, पहला मैच या दूसरा मैच जब भी होता है, जुमा के दिन एक ना एक मैच जरूर होती है, और आज जो जीता है उनके साथ होने वाला है, दरियापुर के साथ, तो दरियापुर तैयार हो जाइए क्योंकि इस टीम में कई सारे सिंह साहब हैं। चलिए पेंदा सिंह के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो यार सब। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्या रणनीति थी जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे, 2 ओवर 13 रन 2 विकेट, बल्लेबाजी करने के लिए आए, 15 गेंद 41 रन 5 छक्के, सिर्फ छक्के मारने की मशीन आपके अंदर लगा के रखे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा था, हमारे को पता था उनके पास बॉलर नहीं है, ठीक है, तो इतने रन ठीक, हम पहले भी चेस कर चुके हैं और हमारे को पता था हमारी बैटिंग लाइन बढ़िया है, हम चेस कर देंगे। दो जो एक बीमर कहा जाता, 2 बीमर लगाया था भाई साहब ने, अच्छे गेंदबाज हैं, हम कई मैच खेलते देखे हैं, उनके बारे में क्या स्ट्रेटजी थी कि उनके जो एक बॉलर आपका वहाँ कम हो रहा था, उनको जो 2 ओवर निकालना था और 10 ओवर के गेम में 2 ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसको कैसे आपने मैनेज किया? उसके हमारे को बहुत घाटा हो गया क्योंकि मेन बॉलर है हमारी टीम के वो, तो उसके करके हमारा टारगेट ज़्यादा हो गया, इसलिए हो जाता है कई बार बॉलर से, कई बार ज़्यादा ट्रैवल करके हो जाता है, कई बार वैसे हो जाता है। कहाँ से आते हैं सर आप? हम तो वैसे बेसिकली पंजाब के हैं लेकिन अभी यहाँ पे रहते हैं पखवा में। अच्छा, तो क्या फील हो रहा है हमारे यहाँ, फर्स्ट टाइम है सर आपका, कैसा फील हो रहा है सर जेपीएल का मैनेजमेंट? बहुत बढ़िया सर, पिच भी बढ़िया है, कमेटी भी बढ़िया है, टूर्नामेंट भी बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद जीपीएल के तमाम दर्शकों की तरफ से, जीपीएल चेयरमैन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब आपको मैन ऑफ द मैच देने के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूँ नाजिम खान सर जी को, प्लीज आए।
तो चलिए दर्शक, कल मिलते हैं, कल का बड़ा मुकाबला देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कल जो मुकाबला होगा वो आखिरी लीग स्टेज है, प्लस बोना वर्सेस बर्तल्ला। बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।